जिन भी लड़कियों ने 2021 में आर्मी का फॉर्म लगाया है या लगाना चाहती हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आपने फॉर्म लगा दिया है तो आपको डॉक्यूमेंट भी बनाने हैं। काफ़ी डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अभी से शुरू करने हैं बनाने, तभी भर्ती तक बनेंगे। क्योंकि काफ़ी डॉक्यूमेंट हैं, मैं सभी डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कब बनवाने हैं, कहां पर बनेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। लगभग आपको 8-9 डॉक्यूमेंट बनवाने हैं भर्ती के लिए। कौन कौन से हैं, क्या नाम है उनका, सब कुछ इस वीडियो में देखिए। जैसे कि काफ़ी लड़कियां हमें मैसेज भी कर रही थी, सर डॉक्यूमेंट के बारे में बताइए कि हमारे भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देखिए, काफ़ी लड़कियां ये भी बोल रही थी, सर कोरोना रिपोर्ट, जो आपका कोरोना का टेस्ट होता है उसका सर्टिफिकेट जो बनता है वो ले के जाना है या नहीं, मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि लड़कों की भर्ती हो रही है तो लड़कों को लेकर जाना पड़ता है, अगर वो लेकर नहीं जाते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है। क्या लड़कियों को भी ऐसा करना होगा, मैं इस वीडियो में बताऊंगा और डॉक्यूमेंट के नाम भी बताऊंगा। देखिए 2021-22 का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, वुमेन मिलिट्री पुलिस गर्ल्स की जो भर्ती है वो आ गई है, ठीक है। उसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब से लेके कब तक, क्या हाइट है, क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ बता चुका हूँ। आज बताऊँगा डॉक्यूमेंट के बारे में। अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं पता चलता है तो हमारी इंस्टा की आईडी भी दिख रही है, उधर भी आप पूछ सकते हो कि ये कैसे कैसे है, मैं सब कुछ उधर भी बता दूंगा अगर वीडियो समझ नहीं आएगी तो। उसके बाद अगर आपको कट ऑफ की कितना कट ऑफ जाएगा, अगर आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करना है हमें कट ऑफ चाहिए, नहीं तो इस वीडियो को 1000 लाइक कीजिए तो मैं आपको कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो बना के दे दूंगा कि लड़कियों का कितना कट ऑफ जाएगा इस बार। 1000 लाइक कर लीजिए, कमेंट तो आप करते ही नहीं हो, मैं काफ़ी बार बोलता हूँ कि जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए कमेंट करें, आप कमेंट नहीं करते हो। अगर आपको कट ऑफ पे वीडियो चाहिए 1000 लाइक इस वीडियो को कर दीजिए। जब भी इस वीडियो पे 1000 लाइक होंगे मैं तुरंत उसी समय, अगर आज शाम तक आप कर देते हो या अभी कर देते हो तो मैं अभी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो जल्दी से 1000 लाइक कीजिए, कट ऑफ के ऊपर वीडियो आ जाएगी कि कितना मेरिट जाएगा, ठीक है इस बार। तो चलो डॉक्यूमेंट के बारे में बताते हैं, नीचे आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। देखिए ये है नंबर 7 पे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। देखिए नंबर 7 पे डॉक्यूमेंट्स, जो पहला डॉक्यूमेंट है आपका, वो डॉक्यूमेंट आपके पास एडमिट कार्ड के रूप में होना चाहिए। कौन से रूप में होना चाहिए, एडमिट कार्ड। आपके पास सबसे पहले एडमिट कार्ड होना चाहिए, गुड प्रिंट होना चाहिए उसका, गुड पेज, जो जिस पेज पे आप प्रिंट करवाओगे अच्छा होना चाहिए, दिखना चाहिए आपका कि ये एडमिट कार्ड है। इस पर आपका फ़ोटो भी होगा एडमिट कार्ड पर, और उस पे लिखा होगा आपकी एड्रेस वगैरह कि कहाँ कहाँ पर, वो अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके फ़ोटो लगभग 20-25-30 फ़ोटो आपको लेकर जाना है। आपको पुराने फ़ोटो लेकर नहीं जाना है, 3 महीने, यहाँ पर बताया हुआ भी है कि ओल्ड 3 महीने पुराने फ़ोटो भी लेके नहीं जाना है, और आपको फ़ोटो नए लेके जाना है, नए। आप भर्ती से 2 दिन या 15 दिन पहले ही फ़ोटो खिंचा लीजिए, 20 इन्होंने कहा है, आप 30-25 लेके जाइए, ठीक है। और उसके बाद आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाने हैं, 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का डिप्लोमा, 12th की अगर आप लेकर जाना चाहते हो तो ले जाइए, मगर देखते नहीं है, 10th क्लास का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डिप्लोमा 10th क्लास का, अगर CBSE हो तो, अगर नहीं है डिप्लोमा कोई बात नहीं तो चल पड़ेगा। उसके बाद ओरिजिनल डोमेसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए कि आप किस स्टेट से हो। उसके बाद क्लास एंड कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लेके जाना है। इनकी फ़ोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है, फ़ोटोकॉपी अलग लेके जानी है, ठीक है, प्रिंट वगैरह जो कॉपीज़ वगैरह होती हैं वो भी लेके जाना है, ओरिजिनल लेके भी जाना है। उसके बाद रिलीजन, कि आप किस रिलीजन से हो, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपकी जो सर्टिफिकेट है, ये आपके तहसीलदार, जो आपका तहसीलदार होता है, SDM होता है, जो भी होता है आपके डिस्ट्रिक्ट में,
उधर बनाया जाता है। इसके लिए आप इंस्टा पे मैसेज करें, कास्ट का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो भी तहसील और डिस्ट्रिक्ट से बनता है, ठीक है का। उसके बाद आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट से बनेगा, जो भी आपका तहसीलदार है या आपका प्रिंसिपल है, जे जहाँ से बनते हैं जे, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर है तो, ज़रूरी नहीं है अगर है तो लेके जाना है, अगर रिलेशन है तो, ये जो ऊपर हैं जे वाले, ये सभी के लिए ज़रूरी है, ठीक है, जो ऊपर वाले मैंने बताए हैं, ये जो दो है नीचे, अगर है तो लेके जाना है, नहीं है तो कोई चक्कर नहीं, ठीक है। उसके बाद ये आपके लिए ज़रूरी है अनमैरिड सर्टिफिकेट, ठीक है, ये जो लास्ट 6 महीने का जे भी आपका बनता है आपके विलेज से, आपके तहसीलदार से ही बनता है जे, इनके लिए जे आपको कहाँ से फॉर्म मिलेंगे, जे हमें इंस्टा पे मैसेज करें, कैसे बनाते हैं, क्या क्या भरना पड़ता है, अगर आपकी मैरिज है तो मैरिज का लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास बैंक की कॉपी का होना चाहिए, जे आपका आईडी प्रूफ है, ठीक है, आईडी प्रूफ के लिए अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लेके जाइए, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेके जाइए, तीनों में से एक लेके जाना है, ठीक है। अगर पैन कार्ड है तो जे लेके जाइए, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेके जाइए, ठीक है, उस पर फ़ोटो आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास डिसप्लिन होना चाहिए, डिसप्लिन आपका आप, ठीक है। उसके बाद आपके पास एफिडाविट, ये भी ज़रूरी है, जो कहाँ से मिलता है इसके लिए भी मैं इंस्टा पे बताऊंगा, ठीक है। यही डॉक्यूमेंट देखिए, उसके बाद ख़त्म हो गए हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। कोरोना की रिपोर्ट आपको बनाकर नहीं लेके जानी है, इस पे नहीं बताया हुआ है, ठीक है। यही डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं भर्ती के लिए, अगर आपको समझ नहीं आई है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ से मिलेंगे, इंस्टा की आईडी दिख रही है, हमें उधर मैसेज कीजिए। इन डॉक्यूमेंट को आपको ज़रूरी बनाना है। एक और बात बताना चाहता हूँ, कितने नंबर मिलेंगे एनसीसी वाले को मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है आपके पास, अगर एनसीसी का ए सी बी है तो आपको ये लड़कियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, लड़कियों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। वैसे तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, अगर ए है तो 5, बी है तो आपके पास 10 और सी है तो आपको पेपर में छूट मिल जाएगी, सीधा आप पास हो जाएंगे। जय हिंद।